हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। बेलतरोड़ी स्थित महाकाली नगर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने आजूबाजू के कई घरों को अपने आगोश में ले लिया, जिससे उन घरों में रखे सिलेंडर फट गए। घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में बेलतरोड़ी पुलिस और दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग में काबू पाया। इस हादसे में 40 से 50 ज्यादा झोपड़पट्टी जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह करीब एक झुग्गी में आग लग गई। आग लगते देख झुग्गीवासी घरों से बाहर आ गए, तभी उसमें सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसने आजूबाजू के सभी झुग्गियों को अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान उनमें रखे सिलेंडर भी फट गए, जिसके कारण आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आग लगते देख पानी से उसे बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह उसमें नाकाम रहे। आग इतनी भीषण थी, इसे समझा जा सकता है कि आसमान काले धुएं के गुबार से ढक गया। एक बड़ी खबर के अनुसार महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर सोमवार शाम को 54 जिलेटिन की छड़े और एक डिटोनेटर के साथ एक बैग मिला, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने तुरंत ही इलाके की घेराबंदी कर दी। सूचना मिलते ही BDDS स्क्वाड के सदस्य मौके पर पहुंच गए। एक अधिकारी ने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने शाम करीब 7:30 बजे मुख्य गेट के बाहर ट्रैफिक पुलिस बूथ के पास लावारिस बैग पड़ा देखा, जिसमें छानबीन के दौरान उन्हें उसमें जिलेटिन की छड़ों का एक पैकेट मिला। उन्होंने बताया कि BDDS का दस्ता रात करीब 8 बजे मौके पर पहुंचा और बैग को अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारी ने कहा कि एक डेटोनेटर जिलेटिन स्टिक से जुड़ा पाया गया, जिसके बैग में बिजली का सर्किट लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि ऐसी जिलेटिन की छड़े आमतौर पर कुओं में या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कम तीव्रता वाले विस्फोट के लिए उपयोग की जाती है। कोरोना से राहत के बाद सभी तरह के प्रतिबंध हटाने के बाद लोगों का व्यवसाय, नौकरी और रोजगार नियमित होने लगी है, लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ दी है। केवल खाने पीने की वस्तु में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूलों की फीस में भी 20-30% तक वृद्धि की गई है। अगले सत्र के लिए प्रवेश लेने वाले अभिभावकों के साथ ही अगली कक्षा में प्रवेश के लिए अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही है। कोरोना काल में स्कूल ऑफलाइन नहीं लगी, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद भी फीस में पालकों को राहत नहीं मिली। जैसे तैसे अभिभावकों ने फीस जमा की। जिन अभिभावकों के लिए फीस भरना मुश्किल हो रहा था, उन्होंने अपने बच्चों को अन्य स्कूलों में दाखिला दिया है, लेकिन इससे भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नर्सरी से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड में प्रवेश हेतु प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकांश स्कूलों में तो प्रवेश भी पूरे हो चुके हैं। महंगाई का हवाला देते हुए प्राइवेट स्कूलों ने फीस में वृद्धि की है, कहीं 20 तो किसी ने 30% तक की वृद्धि की है। स्कूलों का कहना है कि महंगाई हर स्तर पर बढ़ी है। इस हालत में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी भी बढ़ाना आवश्यक हो गया है। जिला परिषद में पिछले 2 वर्ष से ठंडी पड़ी ट्रांसफर की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई। 7 विभागों में करीब 30 कर्मचारियों के तबादले किए गए। इन तबादलों को लेकर कुछ कर्मचारी खुश तो कुछ नाराज है। शासन के निर्णयानुसार जिला परिषद में तबादलों की प्रक्रिया शुरू की गई। 10% प्रशासकीय तथा 10% विनती के आधार पर तबादले किए जा रहे हैं। आबा साहेब खेड़कर सभागार में प्रक्रिया की गई। इस अवसर पर सभी अधिकारी उपस्थित थे। पहले दिन वित्त, जल संधारण, ग्रामीण पानी आपूर्ति, निर्माण कार्य, पशु संवर्धन, महिला व बाल कल्याण सहित कृषि विभाग के कर्मचारियों के तबादले किए गए। सभी तबादले काउंसिलिंग के माध्यम से किए जाने से कर्मचारियों को उनकी पसंद के विभाग मिले हैं। विभागीय जांच व प्रशासकीय कारण से कुछ कर्मियों के तबादले नहीं किए गए, इस पर नाराजगी भी व्यक्त की गई। तबादला नहीं किए जाने से एक कर्मचारी ने तो सीधे आत्महत्या की भाषा का इस्तेमाल कर दिया। कर्मचारी ने आरोप लगाया कि नियम होने के बाद भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तबादला मान्य नहीं किया, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने सभी तबादले नियमानुसार किए जाने की जानकारी दी। हाल ही में नवोदय बिजनेस एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष मनोहरलाल आहूजा एवं अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में श्री महेश्वर वानप्रस्थ वृद्धाश्रम में बुजुर्गों में खाद्य सामग्री फलों का वितरण किया गया। सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने बातचीत कर बुजुर्गों का हालचाल जाना। आश्रम की व्यवस्था पर संतोष जताते हुए सभी सदस्यों ने प्रबंधन की सराहना की। इस अवसर पर अध्यक्ष मनोहरलाल आहूजा, लक्ष्मण मिंडारे, राजेंद्र अग्रवाल, सुनील गुलाटी, सागर जरेल, ब्रिजलाल शर्मा, देवीदास लचुरिया, राजेश जैन, गोपाल मुल्तानी, पवन जैन की उपस्थिति रही।
विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागृह में आदर्श पाठशाला तथा आदर्श महिला मंच ने मातृत्व दिवस के शुभ अवसर पर माताओं का सम्मान किया। समारोह में बच्चों ने मां के विषय में कविता, गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। बच्चों द्वारा माताओं को उपहार प्रदान किए गए। बच्चों को संस्था ने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिए। आदर्श पाठशाला संस्था गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए काम करती है। संस्था के सदस्य झुग्गी झोपड़ियों में जाकर समय समय पर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा गेम्स आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। संस्था की ओर से मातृत्व दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों की मां को भी बुलाया गया था। संस्था जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा देती है। संस्था की संस्थापक तथा सचिव ज्योति द्विवेदी ने कहा कि धरती पर इंसान मां के बगैर नहीं रह सकता। मां के बिना तो स्वयं भगवान भी धरती पर नहीं आ पाए थे। सभी माताओं का सम्मान करना मेरे लिए गर्व की बात है। आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय के प्रांगण में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से मां के प्रति भाव व्यक्त कर मदर्स डे मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्राचार्य तेजिंदर वेणुगोपाल द्वारा छात्राओं के साथ मिलकर मां को समर्पित गीत तू कितनी अच्छी है तू कितनी भूली है गीत गाकर किया गया। विद्यार्थियों के अंदर छिपी कलाओं को जागरूक कर अभिव्यक्त करने का अवसर मदर्स डे के रूप में दिया गया। छात्राओं द्वारा संगीत, नृत्य और अभिनय की रंगारंग प्रस्तुति की गई। विद्यार्थियों को उनकी कला प्रदर्शन के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित कर उनकी सराहना की गई। प्राचार्य ने अपने वक्तव्य में विद्यार्थियों को अपने माता पिता का सम्मान करने और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों का स्वयं में रोपण कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देकर पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनने का आशीर्वाद दिया। आर्य विद्या सभा के अध्यक्ष अशोक कुमार कृपलानी, सचिव राजेश लालवानी एवं इंचार्ज वेद प्रकाश आर्य ने कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना की। नागपुर शहर पुलिस दल में तैनात महिला पुलिस सिपाही ने 42वीं नेशनल एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पुलिस दल को गौरवान्वित किया है। यह महिला पुलिस सिपाही रोशनी भूरे है, जो कि पुलिस मुख्यालय में तैनात है। रोशनी ने 5000 मीटर, 1500 मीटर और 800 मीटर की दौड़ में यह स्वर्ण पदक जीता है। यह स्पर्धा तमिलनाडु जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजित की गई थी। इस उपलक्ष्य में रोशनी की पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने प्रशंसा की। उनका पुलिस आयुक्तालय में सत्कार किया गया। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आह्वान किया जा रहा है कि नागरिक टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र अपने साथ रखें। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सावनेर में गीतांजलि के रचयिता, महान कवि एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। विद्यालय में उपस्थित कक्षा 10वीं के विद्यार्थीगण एवं प्राचार्य राजेंद्र मिश्र सहित स्टाफ ने जनगण मन राष्ट्रगान गाकर उन्हें याद किया। स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए रेखाचित्र सूचना फलक पर अंकित किए गए। स्कूल के प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रविंद्रनाथ टैगोर जयंती सेलिब्रेशन में सहभागी होने की अपील की थी। बच्चों ने घर पर रहते हुए अपने अपने वीडियो स्कूल के साथ साझा किए। कुछ बच्चों ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन की भी विस्तृत जानकारी स्कूल के साथ साझा की। स्कूल के संस्थापक पूर्व कृषि मंत्री रंजीत बाबू देशमुख एवं अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना करते हुए सहभागी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति के लिए प्रबंधन समिति के स्थानीय निदेशक एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया ने सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का अभिनंदन किया। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की राज्य स्तरीय 3 दिवसीय निवासी कार्यशाला में होने वाले विचार मंथन और उद्बोधन के आधार पर उत्साह से कार्य करते हुए कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाए, ऐसा आह्वान महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत ने कार्यकर्ताओं से किया। नागपुर जिले के सिल्लारी पेंच में महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से आयोजित 3 दिवसीय निवासी शिविर लक्ष्य को वे संबोधित कर रहे थे। इस शिविर का उद्घाटन अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के हाथों हुआ। इस अवसर पर अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के सीताराम लांबा, हरपाल सिंह, प्रियंका सानप, भैयाजी पवार, नागपुर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल, युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष शिवराज मोरे, शरण पाटिल, अनिकेत म्हात्रे, सोनल लक्ष्मी घाक सहित महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
बेलतरोड़ी में आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत सहित जिलाधिकारी आर विमला सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस आग में 92 घरों के 375 लोग बेघर हुए हैं, जिनकी आर्थिक मदद करने का आश्वासन पालक मंत्री ने दिया है। कलेक्टर आर विमला ने आग लगने की खबर मिलते ही तुरंत इलाके का दौरा किया। नागपुर उपविभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी भी मौके पर पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। दोपहर करीब 1:30 बजे पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत और कलेक्टर आर विमला ने एक बार फिर घटनास्थल का दौरा किया। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को आवश्यक मदद दी जाएगी। भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष संदीप भंडारी के सूचना अनुसार एवं दीपक मेहता के संयोजन में महाराणा प्रताप समाज भवन गार्डन परिसर इतवारी नेहरू पुतला में महाराणा प्रताप के जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के महामंत्री प्रशांत मानेकर जैन ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि भारतीय इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा आज भी हमें मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वाभिमान और शौर्य के लिए प्रेरित करती है। नागपुर महानगर पालिका के पूर्व स्वास्थ्य समिति सभापति भाजपा नगर सेवक संजय महाजन एवं भाजपा शहर मंत्री वार्ड प्रभाग संयोजक अमोल ठाकरे ने कहा कि महाराणा प्रताप वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ता के लिए अमर है। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। इस अभिवादन कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रभाग 25 के सह संयोजक बाहुबली पलसापुरे, नागपुर जिला जैन प्रमुख सुनील पेंढारी, शहर जैन प्रमुख मनोज गिल्लरकर, केतन सेठिया, रौनक रांका, कमल बज, भरत शाह, दीपक जैन, दिनेश सावलकर, पंकज बोहरा आदि मान्यवर उपस्थित थे। संचालन मनोज गिल्लरकर ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं आभार बाहुबली पलसापुरे ने माना। हाल ही में डॉक्टर शकुंतला इनामदार द्वारा लिखित गिरिजा कुमार माथुर के समग्र लेखन पर प्रकाशित शोध ग्रंथ का विमोचन धनवटे सभागृह में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कवि कालिदास संस्कृत विद्यापीठ रामटेक के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर पंकज चांदे एवं मुख्य वक्त नागपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम एम कड़ू थे। माथुर की रचना हम होंगे कामयाब एक दिन को डॉक्टर इनामदार ने नए आयाम के साथ समावेशित किया है। विश्वविद्यालय स्तर पर माथुर के जीवन दर्शन एवं लेखन, व्यक्तित्व एवं साहित्य का अद्यावत अनुशीलन प्रबंध डॉक्टर इनामदार का अभिनव शोध कार्य है और आने वाली पीढ़ी के शोधकर्ताओं के लिए डॉक्टर शकुंतला इनामदार का ये ग्रंथ बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ डॉक्टर इनामदार द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य सागर को भी समृद्ध बताता है। साहित्य विहार संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष आभा पांडे द्वारा डॉक्टर पंकज चांदे को स्मृति चिन्ह, शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। वीर शिरोमणि मेवाड़ के राजा श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती वाड़ी में धूमधाम से मनाई गई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर लोगों में प्रसाद वितरण किया गया एवं उनकी जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्री राजपूत करणी सेना के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अखिलेश, उत्तर भारतीय सभा अध्यक्ष प्रवीण सिंह, श्री राजपूत करणी सेना हिंगना विधानसभा अध्यक्ष सुष्मित सिंह राजपूत, मान सिंह ठाकुर, कपिल यादव, गुड्डू शाही, पुष्कर सिंह, प्रशांत सिंह, अंकुश सिंह, पीएस तिवारी, मुकेश सिंह, ऋतुराज सिंह, सुरजीत सिंह, राहुल सिंह, अभिषेक यादव, सोनालाल तिवारी, फालके आदि उपस्थित थे। उत्तर भारतीय सभा व मुक्ता फाउंडेशन के द्वारा शासकीय सरस्वती महिला वस्ती गृह पुराना काटोल नाका चौक पर मातृ दिवस के अवसर पर 80 मानसिक रूप से अस्वस्थ व अपनों से तिरस्कृत माताओं को नए वस्त्र व भोजन सामग्री देकर उनका सत्कार किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री ने कहा कि धरती पर भगवान का रूप माँ होती है, उसकी सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। इनकी देखरेख के लिए नियुक्त अधीक्षिका निम्बालकर भंडारवार व चिकित्सा अधिकारी लोखंडे ने बताया कि एक बार यहाँ इनके आ जाने पर इनके परिवार से वे अपने परिवार की ओर से खबर लेने को कोई नहीं आता है। उनका अभिवादन कर उन्हें आश्वासन दिया गया कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत पड़ने पर उत्तर भारतीय सभा मदद के लिए खड़ी रहेगी। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर भारतीय सभा पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष सचिन शर्मा व मुक्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अक्षय चौधरी ने किया। कार्यक्रम में मंच संचालन सुभाष उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर वीरेंद्र शुक्ला, इंद्रसेन सिंह, जयप्रकाश पांडे, प्रमोद ठाकुर, शेषनाथ पांडे, अशोक मिश्रा, दिनेश मिश्रा, रेणुकोर सिद्धू, रवि सावरकर, दिनेश पांडे, राजेश तिवारी आदि पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से मदर्स डे मनाया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने माँ के महत्व को कविता के माध्यम से समझाया। स्कूली विद्यार्थियों ने अपनी अपनी माँ के रेखा चित्र बनाए और उन पर कविताएं लिखी। कुछ बच्चों ने माँ के साथ अपनी अपनी तस्वीरें साझा की। स्कूल स्टाफ ने भी मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। स्कूल के चेयरमैन रंजित बाबू देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना की। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आशीष देशमुख ने सहभागी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी नागपुर एवं आरती बहुउद्देश्य शिक्षण संस्थान नायकवाड़ी नागपुर ने नगर संतरंजीपुरा अंचल के वस्ती रामनगर में बेरोजगार युवाओं के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य विकास उद्योग की ओर युवाओं का ध्यान केंद्रित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। कार्यक्रम के अध्यक्ष चेतन शेंडे तथा शिविर के उद्घाटक ममता राजू सालवे थी। इस अवसर पर मुख्य रूप से राम आंबुलकर, प्रतिमा सावरकर, रेखा निमजे मौजूद रही। कार्यक्रम का परिचयात्मक भाषण संस्था के अध्यक्ष धारी निमजे और धनराज कामले ने दिया। स्वप्निल निमजे ने आभार माना। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की सीनेट में मनोनीत किया गया है। दटके को महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 की धारा 28(2) के तहत नामित किया गया है। भाजपा पदाधिकारियों ने दटके को बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने सोमवार को 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 15,000 रूपए का जुर्माना वसूला। मनपायुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में गांधीबाग, सतरंजीपुरा और लकड़गंज जोन के उपद्रव खोजी दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के उपयोगकर्ताओं पर कार्रवाई की। टीम ने गांधीबाग जोन के अंतर्गत नंगा पुतला चौक इतवारी में बाबा बैग्स दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की और 5,000 रूपए का जुर्माना वसूल किया। सतरंजीपुरा जोन के अंतर्गत लालगंज खैरीपुरा में सिंह बैग फैक्ट्री के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करते हुए 5,000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह लकड़गंज जोन के अंतर्गत भांडेवाड़ी में विशाल किराना स्टोर से दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई एनडीएस प्रमुख विरसिन तांबे के नेतृत्व में की गई है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।